विधानसभा में अवैध नौकरी देने वालों पर कब होगी कार्यवाही? उत्तराखंड विधानसभा से 2016 के बाद के भर्ती कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद विधानसभा के सामने उनका धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। उत्तराखंड क्रांति दल ने उन्हें समर्थन दिया है। इस अवसर पर दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कहा कि गलत तरीके से भर्ती कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन जिन्होंने यह भर्ती की उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? उन्होंने कहा कि 2016 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की को तो बर्खास्त कर दिया गया, जबकि जांच में 2002 से हुई भर्तियों का भी वही पैटर्न रहा। एक ही तरह के मामले में दो तरह के निर्णय कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि सिफारिश करने वाले नेताओं पर कार्यवाही कब होगी? देखिए, जो विधानसभा में कर्मचारियों का जो प्रकरण चल रहा है उसमें उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि उसमें उन कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि उन्होंने विभिन्न माध्यमों से दबाव बना के या जो भी तरीका उन्होंने अपनाया उससे उन्होंने नौकरी पा ली, और उसके बाद इंक्वायरी हुई, तमाम सारी चीज़ें हुई और उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो हमारा सवाल सबसे पहले ये है कि जिन लोगों ने इनको नौकरी में लगाया, जिन लोगों ने गलत तरीके से इनको नौकरी दी, क्या उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमारा मानना है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इन बच्चों को ही सज़ा क्यों मिले, उनको क्यों नहीं मिले सज़ा? जब तक ऐसा नहीं होगा, और सवाल ये है कि ये बात भी इनकी जो आंदोलनकारी ये लोग हैं कर्मचारी, इनका ये कहना है कि 2002 से लेके 2021 तक जो भी नियुक्तियां हुई हैं इसी एक ही पैटर्न की हुई हैं, एक ही तरह की हुई हैं, तो उनको क्यों नहीं इसमें सम्मिलित किया जा रहा है? 2002 के बाद वालों का केवल 2016 और 21 को क्यों इसमें सम्मिलित किया जा रहा है? तो उन सबको सम्मिलित किया जाए और उन लोगों के खिलाफ FIR हो, कार्रवाई हो, जिन लोगों ने इस प्रकार के कदाचार से इनकी भर्ती करी है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिना प्रोसेस के तीन पटना बिहार से लोगों को यहाँ पे भर्ती आपने, और इनकी एक बात जो है सुनने को राजी नहीं है, कहाँ बोलेंगे? एक महिला ने हमको वहाँ से बाहर निकाल दिया, अब आप आए हैं दोनों, आप यहाँ से निकाल दिए, ऑप्शन बचा हमारे पास? हम खड़े हैं, कोई बात सत्र के दौरान चौराहों में आंदोलन होता है, सब हम चौराहे में बैठ जाते हैं, आप बताइए, हम वहाँ इतने हमें रिक्वेस्ट है आपसे। अरे भाई, धरना आप धरना दे रहे हैं ना, धरना जमा है, छोटे बच्चों को लेके भी यहीं बैठे रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? और आप जेल में डालोगे, छोड़ोगे, फिर हम यहाँ आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर ले जाना, फिर छोड़ना, ऐसी चलता है। मैडम की होगा, कार की होगी, प्रशासन से बात कर लीजिए, आप पहले भी आप बात कर लीजिए, यहाँ तो नहीं है कि आपको तय है कि यहाँ नहीं बैठ पाएंगे आप, है ना? उत्तराखंड के लोग, मैडम दिल्ली बिहार के लोग नहीं है, उत्तराखंड के लोग हैं, टैक्स करते हैं, हमसे सरकार है, हम सरकार से नहीं है। मैडम मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कितनी बड़ी जाती है, आप जो है पुलिस कर्मी थी, पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ से जॉब त्याग पत्र दे दिया उन्होंने, चलो भाई यहाँ पे ठीक है, इसलिए थोड़ी दिया था कि पिक एंड चूज करके उठा के बाहर चल देंगे। मैडम तेरी तानाशाही, ऋतु खंडूरी हाय हाय, ऋतु खंडूरी हाय हाय, हाय 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 हाय
लेने वालों के लिए पत्र तक नहीं लिखा। जल्दी दो, क्या मतलब है सारे मीडिया वालों को बोल रहे हैं अगर आप इनको पहले उठा देंगे क्या फायदा होगा। अभी भी आया मैं सिंपल। आप मैसेज देना।